हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है सौरभ शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के जस्ट 9th एंड 10th चैनल पे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जस्ट 9th एंड 10th चैनल के जरिए अनअकैडमी आप सभी 9th और 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए लेके आए इंडिया के टॉप क्लास, इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ जुड़ने का मौका। और इन टीचर्स के साथ जुड़ के आप अपनी स्टडीज को एक अलग लेवल तक, एक अलग मुकाम तक ले जा सकते हैं। तो जस्ट 9th एंड 10th चैनल के जरिए अनअकैडमी आप सभी को प्रोवाइड करवा रहा है इंडिया के सभी बेस्ट टीचर्स के साथ जुड़ने का मौका, और साथ के साथ आपको सभी सब्जेक्ट्स के सभी का आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से बिना देरी करे सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जैसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं। कल के सेशन में हमने बात करी थी एपी के एंड टर्म्स को कैलकुलेट करने का तरीका सीखा था, तो आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। क्विक रिवीजन हम करेंगे जिसमें हम एंड टर्म्स, सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, सम कैलकुलेट करना सीखेंगे। किसी भी एपी की एंड टर्म्स का सम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका हम आज क्विकली रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ दो ही टॉपिक्स तो आते हैं, तो इन दोनों टॉपिक्स में एंड टर्म्स का हमने कल कर लिया था, आज हम सम पे बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आप सभी से अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम सौरभ शर्मा है, मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मेरे को ऑलमोस्ट मोर देन 9 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है, और अपने इस 9 ईयर के कैरियर में मैंने क्लास 6 से लेकर 10th के स्टूडेंट्स को CBSE एग्जाम्स के साथ साथ NTSC और ओलंपियाड की प्रिपरेशन भी करवाई है। इसके अलावा मैं कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुका हूँ। तो इस तरह से अपने इस 9 ईयर के कैरियर में आप जैसे अभी तक 9000 स्टूडेंट्स के साथ एक 1-to-1 रिलेशनशिप सी, एक 1-to-1 बॉन्डिंग सी मैंने बना रखी। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा। अब आगे बढ़ते हुए सेशन में सबसे पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि बेटा, अगर आपको हमारे सभी सेशंस के रेगुलर अपडेट्स चाहिए, तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के अंदर टेलीग्राम ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल कीजिए। इसको इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो वहां पे इस लिंक के थ्रू, ये जो लिंक मैंने यहाँ लिख रखा है, इस लिंक के थ्रू जाके आप टेलीग्राम ऐप के ऊपर हमारे जस्ट 9th एंड 10th चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आपके जो भी बेहतरीन बेस्ट टीचर्स हैं उन सभी के रेगुलर सेशंस का रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे। ठीक है, इस चैनल को जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो, तो इसमें अवेलेबल फोटोज, वीडियोज, फाइल्स, लिंक्स, ऑडियो फाइल्स, वॉइस मैसेज सबको आप वन थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी चीज है, आप जल्दी से फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक बेटा अगर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से बिना देरी करे अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि देखो, देखते देखते दिवाली खत्म हो गई, दिवाली चली गई, अब देखते देखते देखो धीरे धीरे नवंबर भी खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास ओनली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 मंथ का टाइम बचा है ओनली। तो इन 3 मंथ में तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है, और इन सब की में पढ़ाई आपको अगर बेस्ट एडुकेटर से मिल जाए, बेस्ट एडुकेटर से गाइडेंस मिल जाए, तो कहना ही क्या। तो जल्दी से बेटा उन बेस्ट एडुकेटर्स के प्लस कोर्सेज अगर आपको देखने हैं, अगर आपको उनसे स्टडी करनी है, तो फटाफट से बिना देरी करे सबसे पहले अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करो। इसमें आपके पास वन मंथ से लेके 48 मंथ तक के सब प्लान्स हैं। तो इनमें से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान सेलेक्ट करें, फटाफट से सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते वक्त आप मेरा कोड, ये जो मेरा कोड है, इस कोड को आप यूज करें, जिससे आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिल जाए, 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो, मैं तो बच्चों को जनरली यही सजेस्ट करता हूं कि आप इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लान सेलेक्ट करें। जितने लॉन्ग ड्यूरेशन का आप लोग प्लान सेलेक्ट करोगे, उसमें आपको उतने ही परसेंट डिस्काउंट मिलता जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बेटा लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लान सेलेक्ट करो, मेरा कोड और अप्लाई करो, जिससे आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिल जाए। तो फटाफट से बेटा इसको सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा देखो, हम लोग का एक आपके लिए एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान हम लोग आपके लिए और लिखे हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान देखो उन बच्चों के लिए जिनकी अभी तक तैयारी नहीं हुई, जिनको जो अभी भी उनको लगता है कि सर हम अभी भी पीछे हैं, या फिर वो बच्चे जिनकी तैयारी हो चुकी है, तो उस उनको अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करना, और इम्प्रूव करना है, तो उन बच्चों के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान।
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान के इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक तो आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको, कोई भी कंसर्न अगर आपका होता है तो एडुकेटर्स के थ्रू आपको पर्सनल गाइडेंस, इसमें वन टू वन गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो देखो कई बार आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, कई चीजों से आप परेशान होते हैं, तो उस चीज में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, प्रॉपर इंसान, अगर अच्छा इंसान आपको अगर प्रॉपर गाइड करेगा तो क्यों ना आप आगे बढ़ोगे, बिल्कुल आगे बढ़ोगे, बिल्कुल आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए आप लोगों को एक पर्सनल गाइडेंस इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा इसमें लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे कि जिसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो उसको लाइव बैठ के हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसके अलावा आपको वीकली रिपोर्ट मिलेगी जिसमें आप कितनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उसकी अटेंडेंस, परफॉर्मेंस आपकी टेस्ट में और क्विज में कितने स्कोर आ रहे हैं, इन सबको एनालाइज करके एक आप लोग की वीकली रिपोर्ट आप लोग को दी जाएगी, जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सको कि हाँ हमारी तैयारी कितनी चल रही है, किस हिसाब से हमें और तैयारी करने की जरूरत है। क्योंकि देखो एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें हमेशा आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए जब तक आप अपने आप को परफॉर्मेंस को, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज ही नहीं करोगे तो आप आगे कहाँ बढ़ोगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है अपनी हर जगह पे और उसको आगे बढ़ाना है। इसके लिए हम लोग आप लोग को वीकली रिपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स होगी, आपके पास स्टडी प्लानर होगा कि कंप्लीट मंथ के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कब कब पढ़ाए जाएंगे, कब पढ़ाए जाएंगे, कौन सा टीचर पढ़ाएगा, सब कुछ आपको पहले से पता होगा, सब कुछ आपको पहले से पता होगा, जिससे आप अपनी अदर स्टडीज को भी परफेक्टली उसी अकॉर्डिंग प्लान कर सके, ठीक है। तो ये आपको स्टडी प्लान पहले से पता होगा और ये सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही। इन सभी फीचर्स के अलावा आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, प्लस के सारे बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे। तो इन सब चीजों का प्रॉपर फायदा उठाने के लिए अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल जल्दी से बेटा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान को आप चूज कर सकते हो। इसमें भी आपके पास 1 मंथ से लेकर 48 मंथ के सभी प्लान्स हैं, जिसमें आप अगर मेरा कोड SS Maths यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी से बेटा अगर आपको प्लस को सब्सक्राइब करना है तो प्लस को कर लो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान को सब्सक्राइब करना है तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान को भी आप सब्सक्राइब कर लो फटाफट से मेरा कोड SS Maths यूज करके, ठीक है। तो ये तो रहा अभी तक का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे कि सर हमें आज का जो टॉपिक था उसमें हमें पढ़ना था कि किसी भी AP की एंड टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जरा कि देखिए सर किसी भी AP की अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्म में हम AP को लिखते हैं A प्लस D, A+2D, A+3D, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसके सम कैलकुलेट कर रहे हैं कि सर ऐसे करते करते आपने लास्ट सेशन में तो ये बताया था ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करते 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 सर अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो उस केस में हम nth टर्म को लिखते थे किससे, an से। क्या लिखते थे उसका फॉर्मूला, A+N-1 × D, यही फॉर्मूला लिखते थे ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि इन सभी टर्म्स का सम हमें करना है कि सर फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म अगर इन सभी टर्म्स का अगर मेरे को सम करना है तो उस केस में मैं दो फॉर्मूले होते हैं मेरे पास। पहला फॉर्मूला आपका SN का, दैट इज N/2 ब्रैकेट में 2A+N-1 × D, ये पहला फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा प्रॉपरली। सो SN इज इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला है आपका N/2 ब्रैकेट में A+L, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूलों को आप यूज कर सकते हो किसके लिए, एन टर्म्स ऑफ एन AP कैलकुलेट करने के लिए। इन फॉर्मूलेज में ये जो जो नंबर्स, ये जो नोटेशंस हैं, इनको आपको पता होना चाहिए कि SN डिनोट करता है सम को, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, इन एन टर्म्स के सम को डिनोट करते हैं हम SN से। N डिनोट करता है यहाँ पे कि सर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। A डिनोट करता है, आपको पता ही है A तो सर फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, N हमने बता ही दिया नंबर ऑफ टर्म्स को, और D तो सर हम पता है ये कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट। अगर ये सभी वैल्यूज अगर मेरे को पता है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर ये वाला, इस फॉर्मूले में देखें कि N/2 अगर आपने लिखा है, N आपको पता है नंबर ऑफ टर्म, A पता है आपको फर्स्ट टर्म, L पता है क्या होती है, L होती है लास्ट टर्म, L क्या होती है लास्ट टर्म,
ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है तो आप ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करो, इसको यूज करके आप एपी का सम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इन सब के अलावा एक फॉर्मूला मैं आपको और बता देता हूँ, ये फॉर्मूला भी याद कर लो, रट लो, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे इस पे बेस्ड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी मेरे को सर अगर ए एन निकालना है तो ए एन इज इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ, एस एन माइनस वन, क्या लिखता हूं, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर, अगर मेरे को कभी एस एन दिया हुआ है और ए एन पूछ लिया तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, तो देखिये सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज जीरो। सर ये एक एपी दी हुई है 27, 24, 21 एंड सो ऑन, इस तरह से एक एपी लिखी हुई है, तो पूछ रहा है इसमें कितनी टर्म्स ले, हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेट करना है, तो बोलो नंबर ऑफ टर्म्स को एन लेट कर लूं जिसकी वैल्यू मेरे को निकालनी, कितनी टर्म्स ले कि इसका सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो मेरे को पता लगा क्या सर, एस एन की वैल्यू कितनी है, जीरो। इसके अलावा सर एपी को देख के मैं बता सकता हूँ, ए की वैल्यू 27, फर्स्ट टर्म 27, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 24 में से 27 माइनस करो कितना आएगा, माइनस का 3, तो एन की वैल्यू निकालनी है। करें जरा कैलकुलेट, करते हैं यहाँ पे कि सर एस एन का फॉर्मूला, एन इक्वल एस एन इक्वल टू जीरो लिखा मैंने, या फिर पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है आपका। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, एस एन की वैल्यू जीरो इज इक्वल टू एन बाई टू लिखा हमने, 2 इंटू ए, बोलो 2 इंटू ए की वैल्यू 27 लिख दिया, प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू माइनस का 3 लिख दिया। देखो ये n by 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाके डिवाइड में होगा, जीरो है उधर, तो उधर तो जीरो है, तो ये जब उधर जाएगा तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो गया, ये पूरा उधर गया भाई, ये 2 जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो, n डिवाइडेड पहुंचा जीरो, ये भी जीरो इज इक्वल टू, आपके पास ब्रैकेट में क्या बचा, 2 into 27 बोलो कितना, 2 into 27 बोलो कितना, 54 लिख दूं, प्लस अब ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दे माइनस 3 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, माइनस का 3n प्लस का 3 यही आएगा, तो 54 और 3 बोलो कितना हुआ, 57, और ये 3n माइनस का वो उधर गया तो बोलो आपके पास आया क्या सर, 3n इक्वल टू 57, सॉल्व करके n की वैल्यू आपको दिख गई 57 अपॉन 3 दैट इज 19, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी सर, 19 होगी, इस एपी में 19 टर्म्स का जब मैं सम करूंगा तो उनका सम कितना आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस, ये सर क्या दिया है, nth टर्म, nth टर्म को किससे लिखते हो आप, ए एन से, किससे लिखते हो आप, ए एन से, तो मेरे को ए एन दिया हुआ है क्या, कितना, माइनस का 4n प्लस 15, तो पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सर फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है, यानी एस 20 की वैल्यू निकालनी। देखो एस 20 सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो n की वैल्यू भी आपको पता लग गई सर, n की वैल्यू कितनी है 20, एस 20 अगर मेरे को निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, पहला वाला या दूसरा वाला, पहला वाला दूसरा वाला दोनों लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। देखो मैं दूसरे वाले फॉर्मूले से बताता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। एस 20 अगर मेरे को निकालना है तो सर अगर मैं दूसरा वाला फॉर्मूला लिखता, एस 20 इज इक्वल टू क्या लिखता, एन बाई टू यानी 20/2, यही फॉर्मूला होता है ना, इधर लिख देता हूं मैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ठीक है, तो n की जगह क्या दिया हुआ है 20, तो s 20 इक्वल टू 20/2 ब्रैकेट में a, a क्या है फर्स्ट टर्म और l क्या है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या होगी, कितनी टर्म्स का सम निकालना है आपको, 20 टर्म्स का, तो लास्ट टर्म क्या हुई, जो 20th टर्म होगी निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर ये हमें पता लग गया तो सर अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है a1 दैट इज फर्स्ट टर्म और सर 20th टर्म यानी a20, ये दोनों की वैल्यू निकालते हैं, ये दोनों की वैल्यू निकालते हैं, आप पुट करते हैं, तो a1 निकालना है, n की जगह 1 लिखोगे, क्या लिखोगे,
माइनस फोर इंटू वन कितना हुआ, माइनस फोर ही रहेगा, प्लस का 15, बोलो कितना आया, 11 आ गया, क्या आ गया। अब ए 20 निकालना है तो सर ये n की जगह क्या लिखूंगा, 20, तो माइनस का 4 इंटू 20 प्लस 15, सॉल्व करो फटाफट से कितना आएगा, 20 इंटू 4 माइनस का 80 प्लस 15, बोलो कितना आया, 65 आ गया, क्या 65 आया, क्या 65 आया ना, वो भी किसका, माइनस का, माइनस का 65। तो ए 20 आपको लास्ट टर्म पता लग गई, लास्ट टर्म की जो इस एपी की 20 टर्म्स का सम निकालना था जिसकी लास्ट टर्म क्या है, माइनस 65 है। फर्स्ट टर्म पता लग गया मेरे को 11 है, तो यहाँ फॉर्मूले में पुट करूं इससे 20/2 10, ये तो लिख दो आप, ए की वैल्यू 11 माइनस लास्ट टर्म कितनी है 65, लिख दिया आप माइनस 65, सॉल्व करोगे कितना आएगा, 65 में से 11 माइनस होगा कितना बचेगा 54, वो भी माइनस का 54 और इंटू 10 होगा तो बोलो माइनस का 540 हो गया, क्या कि सर एस 20 की वैल्यू हमें निकालनी थी और ये कितना आया, माइनस का 540 आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी बच्चों को क्लियर हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखें जरा कि सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, अब की बार दे रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये दिया हुआ है सम ऑफ एन टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म्स को किससे लिखते हो आप, एसएन से, तो मेरे को दिया हुआ है एसएन की वैल्यू एन की फॉर्म में कितनी सर, 3n² प्लस का 4n, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 25th टर्म, फाइंड द 25th टर्म ऑफ दिस एपी, कि इसकी 25th टर्म निकालनी, 25th टर्म निकालनी, तो बताओ मेरे को a 25th ये निकालना है आपको, इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, a प्लस, कल सीखा था हमने, a प्लस 25 माइनस 1 दैट इज 24 इनटू d, यही लिखोगे। तो अगर मेरे को ये निकालना है तो मेरे को क्या-क्या पता होना चाहिए, एक तो a और दूसरा कौन सा, ये d, ये दो पता होने चाहिए, ठीक है, या तो ये पता होना चाहिए अब, या फिर 825 अगर आपको निकालना है तो अभी याद करो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, एक मैंने एडिशनल एक फॉर्मूला आपको बताया था, याद है क्या आपको, कि सर an इज इक्वल टू क्या था, sn माइनस sn माइनस 1, तो इस फॉर्मूले में अगर लिखे n की जगह 25, तो अगर सर मेरे को 825 निकालना है तो कितना होगा, s25 में से माइनस करो आप s 25 माइनस 1 24 को, अगर ये वैल्यूज निकाल के पुट कर दूं यहाँ पे तो 825 निकल जाएगा। तो करें जरा कि 825 निकालने के लिए सर S25 और S24 पहले निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ S25 निकाल, SN का फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है तो बोलो N की जगह क्या लिखना है 25, कितना आएगा देखो 3 into, पहले n स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कितना 625 प्लस 4 into 25, 100, लिख दूं क्या, लिख दूं, जरा सॉल्व करें कि सर ये 5 और 3 इनको मल्टीप्लाई करके 15 और ये 1, 6 और ये 1 हो गया 7, सर ये हो गया 18, 1875 प्लस 100 और है, इसको और भूल जाना, कितना आया आपके पास 1975 आ गया, क्या 1975 आया S25 की वैल्यू। अब इसी तरह से S24 की वैल्यू भी निकालता हूं, S24 की n की जगह सर 24 पुट कर दो तो सर क्या आएगा 3 into 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 4 into 24 कितना होता है 96, लिख दें क्या 96 is equal to, करें जरा सॉल्व सर 6 into 3 18, then 1 21 और 1 22, then 2 15 और 2 17, 1728, इसमें ऐड करो जरा 96 कितना आता है, देखिए जरा कि सर 8 और 6 ऐड होके 4 14, ये 10 और 2 12 और सर ये 1 18 1824, ये आया 1824 आया। तो हमें क्या करना है 825 अगर निकालना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, तो कर दो ना सब्ट्रैक्ट, कर दो ना कि सर 5 में से 4 1, 5 7 में से 2 5, सर 9 में से 8 1, तो आपके पास 825 आ गया है क्या। देखो अगर ये फॉर्मूला हमें याद था तो इससे आपके पास आंसर कितना जल्दी आ गया, 825 की वैल्यू 151 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी बच्चों को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में सम पे बेस्ड। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, if sn denotes the sum of n terms of an ap,
SN जो है वो डिनोट कर रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP को, तो प्रूव करने बोला है S12 इक्वल टू 3 S8 माइनस S4। सर S12 को 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4 निकालने के लिए बोला है, ये प्रूव करने बोला है, तो कैसे करें? एक काम करो, सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले S8 निकालो, S8 निकालो, देखो एक एक करके पहले S8 निकालते हैं फिर S4 निकालते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर S12 की वैल्यू निकाल के कंपेयर करेंगे, क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, ऐसे करेंगे। तो S8 की वैल्यू निकालो, बोलो क्या लिखोगे, 8/2, n/2 की जगह 8/2, 2a फर्स्ट टर्म हम लेट कर लेना, a है, तो क्या आएगा 2a प्लस 8 माइनस 1 बोलो कितना 7 इंटू डी, यही आएगा। सॉल्व करो जरा, 8 और 2 डिवाइड होके बोलो 4, ब्रैकेट में 2a प्लस 7d, यही आया। मल्टीप्लाई कर दूं क्या, 4 को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आएगा आपके पास 8a प्लस 28d, यही आएगा, यही आएगा। अब इसी तरह से S4 की वैल्यू भी निकालो, सर S4 की वैल्यू निकालता हूं, कितना आएगा 4/2, क्या लिखोगे सर 2a प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3 इंटू डी, लिख दिया आपने। सॉल्व करो, देखो ये इससे कैंसिल हो गए, 2 बचा और ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 2a प्लस 3d, ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, सर ये आएगा मेरे पास 4a प्लस कितना 6d, ये आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, S8 में से S4 को माइनस करो, यानी ऊपर वाले में से S8 में से S4 को माइनस करो, करो जरा, कर दो, यहीं पे कर देते हैं ना सर, इधर इधर हमने लिख दिया S8, इसमें से S4 को मैंने माइनस करा, क्या रिजल्ट आता है देखें जरा, सर 28 में से 6 माइनस हुआ, बोलो कितना 22d आया, ठीक है। अच्छा 8a में से 4a माइनस, बोलो कितना ये आपके पास प्लस का 4a आया, आ गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर ये आगे इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, तो क्यों ना यहीं पे इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, ये मल्टीप्लाई करा, कर दिया, तो सर 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 12a, देखें जरा कि सर ये 12a प्लस 66d, यही आएगा क्या, यही आएगा। तो हमने इसका आरएचएस सॉल्व किया है, अभी क्वेश्चन का आरएचएस सॉल्व किया, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसी तरह से एलएचएस सॉल्व करते हैं, सर एलएचएस में मेरे को क्या दिया, सिर्फ एक सिंगल टर्म S12 की वैल्यू निकालो जरा, क्या लिखोगे 12/2, लिखे सर 2a प्लस 12 माइनस 1, दैट इज 11 इंटू डी, यही आएगा। सॉल्व करें जरा, 12/2 कितना हो गया 6, ब्रैकेट में 2a प्लस 11d, देखिए जरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूं क्या, इनको मल्टीप्लाई कर दूं, 6 अंदर मल्टीप्लाई में गया, तो S12 की वैल्यू 6 इंटू 2 बोलो कितना 12a प्लस 6 इंटू 11 बोलो कितना 66d, अरे देखो जरा आरएचएस की वैल्यू आपने ये निकाली थी, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, और LHS की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूं, तो देखो LHS RHS की इक्वल है क्या, हाँ सर बिल्कुल, LHS is equal to RHS, बिल्कुल है सर, तो इसका मतलब ये हमने प्रूव कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव प्रूव दिस, कर दिया सॉल्व, कर दिया, मजा आया क्वेश्चन करके, बिल्कुल आएगा, अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी तैयार है, अगला क्वेश्चन साथ के साथ करेंगे। देखिए जरा इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया, आपको बोल रहा है, गिवन है कि सर A12 की वैल्यू 37, A12 ध्यान से देखना, A12 की वैल्यू 37 है, D की वैल्यू 3 है, तो S12 निकालो, S12 निकालने बोला है, तो देखिए जरा अगर A12 ये लिख रहा है तो A12 फॉर्मूला क्या लिखूंगा A12 का, कि सर A प्लस 11D, यही लिखूंगा, और इसकी वैल्यू मेरे को दी हुई कितनी 37, क्या कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू पता है मेरे को, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू सर 3 पता है। यहां फिर ये भी मैं कर सकता हूं, देखो अगर S12 निकालना है, एक बार सोचो सर, अगर S12 निकालना है तो S12 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, n/2 यही लिखूंगा, n/2, और n की वैल्यू भी मेरे को पता है, n की वैल्यू भी पुट करते ना यहां पे, सर n की वैल्यू भी पुट करो ना, बिल्कुल n की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, n की वैल्यू कितनी हो गई 12 by 2, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या होगी A12, क्योंकि 12 टर्म्स का सम निकालना है ना,
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या होगी, ट्वेल्थ टर्म होगी, क्योंकि ट्वेल्थ टर्म का ही तो सम निकालना है, तो लास्ट टर्म क्या होगी, ट्वेल्थ टर्म हो गई। तो अगर मेरे को ये निकालना है तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, सिक्स तो ये एज इट इज ए निकालना पड़ेगा, ए ट्वेल्व की वैल्यू पहले से पता है क्या, 37, देखो पहले से पता है क्या आपको 37, तो मेरे को सिर्फ निकालना क्या बचा, ओनली फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म निकालना बच गया, तो फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं ना सर यहां से, देखिए आपको ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए प्लस 11 इनटू कॉमन डिफरेंस 3 बोलो इक्वल टू 37 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 33 होगा, उधर जाएगा बोलो माइनस का 33 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 37 माइनस 33, बोलो ए की वैल्यू आ गई क्या आपके पास, 4, ए की वैल्यू आ गई क्या आपके पास, 4 आ गई, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दो कि सर S12 निकालना था 6 ब्रैकेट में 4 प्लस 37, कर दूं 4 प्लस 37 कर दे, कितना आएगा सर 6 इनटू 41 मल्टीप्लाई कर दो तो S12 की वैल्यू आपको दिख जाएगी सर 246 आ जाएगी, क्या देखो जरा मल्टीप्लाई 246 आ जाएगा, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया, क्लियर क्लियर सभी बच्चों को क्लियर हुआ, ठीक है। आप इसमें चाहते हैं तो सेकंड वो जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था ना n by 2 a 2a plus n minus 1 into d वो लगा के भी कर सकते थे, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस d भी पता है, यहां कॉमन डिफरेंस d भी पता है, a भी पता है, n भी पता है, सब पता है, आप उससे भी कर सकते थे, इससे शॉर्ट पड़ गया, इससे थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये वाला तरीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जरा, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लिखिए जरा सर, फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है 17, लास्ट टर्म एल ये दिया हुआ है आपको 350, ठीक है, तो और इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस डी भी आपको दिया हुआ है 9, तो पूछ रहा है सम, फाइंड द सम, सम कैलकुलेट करना है, तो सम कितनी टर्म्स का, एन टर्म्स का, कितनी टर्म्स का, एन टर्म्स का, एन की वैल्यू तो मेरे को दी ही नहीं, n टर्म्स की, n टर्म्स का सम निकालना है, तो सर n की वैल्यू तो पता ही नहीं, तो कैसे निकालें, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, n की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू निकालोगे कैसे निकालेंगे सर, nth टर्म के फॉर्मूले से, हमें 17 से लेके 350 तक की जो भी टर्म्स है उन सब का सम निकालना है, तो हमारे लिए फर्स्ट टर्म क्या हो गई 17, लास्ट टर्म हमें दी हुई है 350, तो ये क्या बोलो, ये nth टर्म के इक्वल होगा, क्या ये nth टर्म के भी इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएं जरा, कि सर a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, यही फॉर्मूला लिखते हो, a n की वैल्यू बोलो कितनी 350 इज इक्वल टू a की वैल्यू बोलो कितनी 17 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 9 दिया हुआ है, दिया हुआ है 17 को सबसे पहले उधर ले जाके माइनस कर दूं, तो माइनस करो 350 में से 17 को, कितना आएगा 333 आ जाएगा, is equal to n minus 1 into 9, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है, क्यों मैं इसको यहां से हटा के डिवाइड में भेज दूं, कैंसिल करो जरा, कि सर 9 से ये कैंसिल होगा, 9 कितना 4 9 4 36 9 3 27 जाएगा, पहले 9 3 27 और फिर बचा 7 63 ये गया 7 टाइम्स, आया आपके पास 37 n माइनस 1 के इक्वल, तो बोलो आपको n की वैल्यू दिख गई क्या 38, अब दिखा है सर n की वैल्यू 38 दिखी, ये हमारा आधा क्वेश्चन हुआ है, हमें sn निकालना है, तो हमें पता लगा n की वैल्यू 38 है, तो n की वैल्यू अगर 38 है तो इसका मतलब अब मेरे को क्या निकालना है s38 क्या होगा सर 38/2, फर्स्ट टर्म मेरे को पता है 17, लास्ट टर्म मेरे को पता है 350, सॉल्व कर लो इसको फटाफट से, 38/2 सॉल्व करोगे कितना आएगा 19, और इनको अगर ऐड कर लो कि सर 350 को मैं 17 ऐड करोगे कितना आएगा 367, मल्टीप्लाई कर लो इसको आपका आंसर दिख जाएगा, सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लेंगे तो ये बिल्कुल इसका आंसर तैयार हो गया सॉल्व, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन खिलाड़ी करेंगे, अगला क्वेश्चन, If the sum of first seven terms, आपको दे रहा है first seven terms का sum दिया हुआ है कितना 49, दिया हुआ है क्या 7 terms का sum, यानी S7 का formula बताओ जरा क्या लिखोगे सर 7/2 लिख दूं, 7/2 कौन सा क्या आएगा 2a plus 7 minus 1 that is 6,
डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें 49 दिया हुआ है. इसी तरह से मेरे को दिया हुआ है 17 टर्म्स का सम 289 है. 17 टर्म्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे सर? एस 17 इज इक्वल टू 17 बाय 2 ब्रैकेट में सर 2a प्लस 17 माइनस 1 बोलो कितना 16d आया क्या. और ये कितना दिया हुआ है आपको 289 दिया हुआ है. 289 दिया हुआ है. जरा सॉल्व करें इसको. सॉल्व करेंगे इसको. देखो ये आपका 7 से ये 7 से ये 49 कैंसिल होगा. कितने टाइम्स? 7 टाइम्स. ये 2 का है डिनोमिनेटर में बोलो. अगर आपका हो तो ऊपर से ही 2 कॉमन ब्रैकेट में से 2 कॉमन अगर आ जाए, 2 अगर कॉमन आ जाए तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा. आपके पास क्या बचेगा? ब्रैकेट में से 2 को कॉमन लेके इससे कैंसिल कर दो, ये 2 भी आपका हट जाएगा. क्या आएगा हमारे पास? ओनली a प्लस 3d. a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 आया. आया इसमें से इस ब्रैकेट में से 2 आपने कॉमन लिया और उसको इससे कैंसिल कर दिया. 2 कॉमन आने से इसमें बचा है मेरे पास ओनली a प्लस 3d, ये बच गया. सेम इसी तरह से देखें जरा इसमें भी कि सर ये 17 और ये 289 ये तो कट रहे हैं सीधे सीधे 17 टाइम्स कट रहे हैं. और इसमें भी देखो सर ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ सकता है, इस 2 को भी कैंसिल कर देगा. तो हमारे पास बचा क्या? इसमें से 2 कॉमन लेके कैंसिल हो चुका है. 2 कॉमन आया तो क्या बचा आपके पास? ओनली a प्लस 8d इज इक्वल टू बोलो कितना? 17. तो हमें क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ n टर्म्स यानी sn निकालना है. तो sn निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले a और d निकालना पड़ेगा. तो दो लीनियर इक्वेशन हो गई क्या? दो वेरिएबल्स a और d के अंदर क्या करा जाए? सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए. सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको. सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्ट किया, a से a कट गया, 3d और माइनस का 8d. बोलो कितने d बचे? माइनस का 5d बचा. इज इक्वल टू 7 और माइनस 17 बोलो कितना? माइनस का 10. माइनस से माइनस कटा तो d की वैल्यू आपको दिख गई क्या? 2. d की वैल्यू आपको दिख गई 2. अब ये d की वैल्यू 2 इन दोनों इक्वेशंस, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, a की वैल्यू भी निकालो. सर अगर d की वैल्यू यहाँ 2 है तो पुट करें 3 2 6, इधर पुट करते हैं 3 2 6 6, उधर जाके माइनस होगा. तो बोलो सीधे सीधे a की वैल्यू कितनी आई? 1 आ गई क्या? a की वैल्यू 1 आ गई. तो मेरे को क्या बोला है? मेरे को क्या बोला था क्वेश्चन में? sn की वैल्यू निकालो, सम निकालो, sn सम टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स. तो sn का फॉर्मूला लिखूं, sn इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में क्या लिखते हो? 2a. तो 2 इंटू a की वैल्यू 1, देखना जरा 2 आ जाएगा क्या, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 और d कितना है? 2 लिख दिया. सॉल्व करते हैं इसको. इसको जरा सॉल्व करें तो n बाय 2 ब्रैकेट में सर ये 2 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई किया तो बोलो क्या आएगा आपके पास? 2n-2, ये आया क्या? देखो जरा ये 2 से ये 2 उड़ गया. तो आपके पास क्या दिखा? sn की वैल्यू n बाय 2 इंटू ब्रैकेट में क्या बचा है? ओनली 2n. 2n में देखो ये 2 से फिर 2 उड़ गया तो आपके पास sn की फाइनल वैल्यू क्या आ गई? n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर. ये इसका आंसर आ गया क्या? सर सम ऑफ n टर्म्स में से पूछा था कैलकुलेट करने के लिए तो बोला गया था, हमने कैलकुलेट कर दिया, कितना आया? n स्क्वायर आ गया. आया मजा? क्वेश्चन हुआ, सॉल्व हुआ, बिल्कुल होगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवाइज कर रहे हैं हम. अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इन AP हुज कॉमन डिफरेंस इज 10, तो फाइंड द एंगल. ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि सर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स जो है वो एपी में है. कितने एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में? 4. तो लेट करूं क्या कि सर पहला ए, कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 है. तो अगला क्या आएगा? ए प्लस डी यानी ए प्लस 10. नेक्स्ट क्या आएगा? ए प्लस अगेन डी. कितना ऐड करोगे? 10 और ऐड करोगे कितना आएगा? 20. इसमें टी और ऐड करोगे तो कितना आएगा? ए प्लस 30. ये दिया हुआ है हमको कि सर ये चारों एंगल्स हैं एक क्वाड्रेटर के जो एपी में दिख रहे हैं. तो पूछा है, बोला गया क्वेश्चन में एंगल्स फाइंड करो. एंगल्स फाइंड करो सर, हमें पता है एक क्वाड्रेटर के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? कितना होता है? बिल्कुल 360 होता है. तो ऐड कर दें क्या इन सबको? ऐड कर दें सर. a प्लस 10 प्लस a प्लस 20 प्लस a प्लस 30 इज इक्वल टू 360. आया क्या? आया. सॉल्व करें ये a प्लस a प्लस a प्लस a, बोलो कितने a हुए? 4a हो गए. सर ये सॉल्व कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे पास कितना आया? 4a प्लस ये 10 20 30 और प्लस 30 बोलो कितना? 60 आया.
इज इक्वल टू 360। सॉल्व करें, ये 60 उधर जाके माइनस 300 आ जाएगा, तो आपके पास आया कि सर 4a इज इक्वल टू 300, तो a की वैल्यू आपको कितनी दिखेगी, सर 300 अपॉन 4 कैलकुलेट करो जरा डिवाइड करके, 75 आएगा, 75 बिल्कुल 75 इसकी वैल्यू आई। तो अगर 75 वैल्यू आ गई तो एंगल्स क्या क्या आए, पहला एंगल ए लिखा था तो बोलो कितना आया, 75 डिग्री आ गया। दूसरा एंगल आपने ए प्लस डी लिखा है, 75 प्लस 10 बोलो कितना, 85 डिग्री आ गया। तीसरा एंगल आपने ए प्लस 20 बोलो, 75 प्लस 20 करोगे 95 आ जाएगा, और इसमें 10 और ऐड कर दो ना तो 105 आ जाएगा। देखो आपने क्वाड्रेटर के सभी एंगल्स को फाइंड कर दिया क्या, ये हमारा आंसर तैयार। क्लियर हुआ क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हुआ, मजेदार क्वेश्चन था। देखो एपी के अंदर ज्योमेट्री को यूज कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो एक और आखिरी क्वेश्चन आज का, ठीक है, इसके बाद फिर मैं आपसे खुद से क्वेश्चन पूछूंगा क्विज में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। क्या बोला है आपको कि सर S24 निकालने बोला गया है, और दिया हुआ क्या है an दिया हुआ है मेरे को 3 plus 2n, तो कैसे निकालूं S24 का फॉर्मूला, सर 24 टर्म्स का सम निकालना है, तो क्या मैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करके फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूँ। फर्स्ट टर्म आ जाएगी मेरे पास 3 plus 2 into 1, बोलो कितना 5 आया क्या। अगर n इक्वल टू 24 पुट करूं तो बोलो मेरे पास लास्ट टर्म आ जाएगी क्या, कि लास्ट टर्म l कितना आ जाएगा सर 3 plus 2 into 24 into 2 48 plus 3, बोलो कितना 51। निकाल दिया आपने, a और l दोनों पता लग गए। अब आपको s24 निकालना है तो फॉर्मूला फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला लगा दो, s24 इक्वल टू 24 अपॉन 2 लिखे, फर्स्ट टर्म a 5 और लास्ट टर्म कितनी 51 लिख दिया। सॉल्व करो, ये सर आया 12 और ये ब्रैकेट में बोलो कितना 56। अब 12 को 56 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, तो करोगे तो आंसर आ जाएगा 12 into 6 72, का 2 हाथ में 7, 12 into 5 60 plus 7 672, ये आपका आंसर। S24 हमसे बोला था कैलकुलेट करने, तो 672 इसका आंसर आ गया। बोलो क्लियर हो गया क्या, अरे भाई बोलो क्लियर हुआ क्या, सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन समझ में आए अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन क्लियर हुए। तो अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं क्विज के, आंसर करेंगे। चलिए तो खिलाड़ी मेरे तैयार है तो फिर आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन क्विज का मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, देखें आप में से कितने स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 633। कैलकुलेट करके देखो जरा फटाफट से आंसर क्या आएगा इसका, फटाफट से करिए जरा इसका आंसर क्या आएगा। 10 सेकंड्स बचे हैं, फास्ट, टाइम खत्म होने वाला है, फास्ट बच्चों, टाइम हो चुका है खत्म। और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर एस एन की वैल्यू दी हुई है, ए फर्स्ट टर्म आपको पता है सर 9, कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है पता है, यहां से निकाल सकते हो कितना 17 में से 9 माइनस करके कितना आ जाएगा 8। तो आपसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ टर्म, एन की वैल्यू निकाल, करोगे इसको कैलकुलेट करोगे बिल्कुल इसका आंसर आपको 12 दिखेगा, बिल्कुल एस एन का फॉर्मूला लगा के करो इसका आंसर बिल्कुल 12 आ जाए। ओके अगला क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर करें, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म 45, फर्स्ट टर्म 5 लास्ट टर्म 45, सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अरे सब कुछ तो दे दिया, नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछ लिए, बस करिए जरा फटाफट से इसका आंसर क्या आएगा, एन की वैल्यू पूछी है, फटाखट हो जाना चाहिए बिल्कुल, क्या आंसर आएगा इसका। और टाइम हो चुका है खत्म, टाइम खत्म हो चुका है। देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ था आपको
a की वैल्यू दी हुई है, लास्ट टर्म l की वैल्यू दी हुई है, sn दिया हुआ है आपसे, तो सिर्फ सिंपल सा n की वैल्यू ही तो पूछा है, तो sn का फॉर्मूला सेकंड वाला यूज करो, कैलकुलेट करोगे, ऑप्शन बी आएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। n की वैल्यू कितनी आएगी? 16 आएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी? 16 आ जाएगी। ठीक है, ओके, करेंगे, कर लेंगे, बिल्कुल बच्चों ने बिल्कुल कर भी लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट से करेंगे। करो जरा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। इस 6 से डिवाइड होने वाले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होंगे? 6 से डिवाइड हो रहे हैं तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो पहला नंबर तो हो ही गया, आप एपी बनाओ पहले 6, फिर 12, और ऐसे करते करते क्या दिया है, ए पता लग गया, डी पता लग गया, एन की वैल्यू पता लग गई है 40। करो जरा फटाफट से, टाइम भी हो चुका है खत्म, टाइम भी हो चुका है खत्म। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपने एपी लिखी तो यहां से आपको फर्स्ट टर्म पता लग गई 6, कॉमन डिफरेंस डी पता लग गया आपको 6, सम आपको कितनी टर्म्स का निकालना है 40, तो एन की वैल्यू पता लग गई 40, तो एसएन का फॉर्मूला लगाओ ना, एसएन का फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाओ, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, करोगे बिल्कुल 4920, बिल्कुल इसका एक्यूरेट आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन का अब आंसर करिए जल्दी से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब की बार 8, पहले वाले क्वेश्चन में 6 था, अब की बार 8 दे दिया, तो 8 का पहले एपी बना लो फटाफट से, करो जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा? सर 8, 16, 24 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हुई है? 15। तो आपको पता है ना, जल्दी से करो, मैं कुछ चीजें लिख देता हूं, फटाफट से फॉर्मूला लगाओ, सब कुछ दिया हुआ है, टाइम भी हो चुका है खत्म। आपको इस एपी में देखा आपके 8 के मल्टीपल्स थे, तो 8, 16, 24 एंड सो ऑन, कितने मल्टीपल्स हैं? 15 है, तो n की वैल्यू पता लग गई 15, a पता लग गया 8, कॉमन डिफरेंस 8 पता लग गया, sn का फॉर्मूला लगाओ, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिखेगा, 960 आएगा s 15 की वैल्यू, 15 टर्म्स का सम कितना आएगा? 960 आएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखो, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम आपको निकालना है, करो जरा, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पहला इंटीजर ही क्या है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 एंड सो ऑन, सो ऑन, तो 1000 इसमें लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे करते करते 1000 इंटीजर्स, उन सबका सम निकालो। टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो चुका है, एपी दिख गई आपको, ए पता लग गया 1, कॉमन डिफरेंस डी पता लग गया, कॉमन डिफरेंस डी पता लग गया 1, आपको लास्ट टर्म पता लग गई क्या? लास्ट टर्म सर, लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू, वो भी कितना है? 1000, और नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है? 1000 नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप चाहो तो पहला वाला फॉर्मूला लगाओ, आप चाहो तो दूसरा वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले से आप वैल्यू निकाल सकते हो, दोनों से आंसर आएगा बिल्कुल, और इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी 500, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये इसका बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आंसर आएगा। सभी बच्चों को क्लियर हो गए, क्वेश्चन हो गए, तो आज के क्वेश्चन में देखो हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इसमें आपने सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एन एपी कैलकुलेट करना कंप्लीटली रिवाइज कर लिया। ठीक है, बिल्कुल रिवाइज कर लिया। चलिए अब इसी के साथ हम सेशन को एंड करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा, आप मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक दिख जाएगा, जिसके थ्रू आप मेरे को अनअकैडमी ऐप के ऊपर फॉलो कर सकते हो। ये लिंक आपको दिख जाएगा, इस लिंक के थ्रू जाके आप अनअकैडमी ऐप पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कोड दिखेगा, जिसको यूज करके आप 10% का डिस्काउंट यूज कर सकते हो, 10% का डिस्काउंट ले सकते हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को लेने में। ठीक है, इसके अलावा आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिख जाएगा, इस लिंक के थ्रू जाके आप टेलीग्राम चैनल पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम ऐप के ऊपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको हमारे सभी सेशंस के रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है बच्चों,
तो इन सब चीजों के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर अपना ओपन करो और ओपन करके उसमें आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करके फटाफट से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दो अपने मोबाइल फोन के अंदर। जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करके इसमें आप अपना गोल सेलेक्ट करो। आप लोग क्लास 10th में हो तो क्लास 10th इसमें सेलेक्ट करो, प्लस पे क्लिक करो। जैसे ही आप लोग प्लस पे क्लिक करते हैं वहां पे उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास 1 मंथ से लेके 48 मंथ तक के सारे प्लान्स दिख जाएंगे आपको। तो जो प्लान आपको अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग लगता है ये हमें लेना चाहिए, उस प्लान को फटाफट से जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लो और प्लस को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करते टाइम आप ये जो मेरा कोड है, ये जो मेरा कोड है SSMaths, इस कोड को आपको यूज करना है टू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट लेते हुए आप फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा आप चाहे तो आप हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान को भी ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है आप लोगों की तैयारी को और बेहतर कराने के लिए, ठीक है। इसमें आपको इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स, स्टडी प्लानर और इन सब के साथ साथ आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बेटा अगर आपको प्लस को सब्सक्राइब करना है तो प्लस को सब्सक्राइब करो, आपको आइकॉनिक को सब्सक्राइब करना है तो आप आइकॉनिक प्लान को सब्सक्राइब कर लो। आइकॉनिक में भी आपके पास 1 से लेके 48 मंथ तक के सारे प्लान्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप अगर मेरा कोड यूज करोगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। तो जल्दी से इस कोड को अप्लाई करो और फटाफट से अनअकैडमी का या तो प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान जल्दी से परचेस कर लो, जल्दी से कर लो बेटा, आपकी तैयारी आपको बेहतर और बनानी है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए तो बिल्कुल बेटा मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। हमारे चैनल को रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, जिससे आपको हमारे सभी सेशंस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। अब लास्ट में जाते जाते फिर से मैं अगेन आप लोगों को एक बार अपना रेफरल कोड बता देता हूं कि SSMaths, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आपको यूज करना है टू गेट फ्लैट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान। तो जल्दी से बेटा इस कोड को यूज करके फटाफट से अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बच्चों। तो अपनी मुलाकात फिर से होगी अगले सेशन में, फिर मिलेंगे। आज तो हमने AP चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन खत्म कर लिया, हो गया बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे, बाय टू ऑल। बिल्कुल मजे करो, छुट्टियां चल रही है अभी आप लोगों की दिवाली की ना, खूब मजे करो, लेकिन पढ़ाई को मत भूलना। ओके बाय एवरीवन।